सबसे पहले जनगणना को ही हम लेंगे, और जनगणना किसकी होती है, तो ये होती है जनसंख्या की, जनसंख्या की जनगणना की जाती है। यहां पर अगर हम देखें कि जनसंख्या क्या होती है, तो इसको मैंने पहले भी क्लियर किया हुआ है, किसी भी क्षेत्र विशेष में रहने वाले जो लोग होते हैं या जन होते हैं उनकी जो संख्या है वो जनसंख्या कहलाती है। ठीक है, तो जनसंख्या मतलब लोगों की संख्या जो किसी क्षेत्र विशेष के अंतर्गत रहते हैं। अब जब उन्हें काउंटिंग किया जाता है, ठीक है ना, उनको गिना जाता है, तो वो काउंटिंग जनगणना कहलाती है, जनगणना कहलाती है। सबसे पहला प्रश्न तो हमारा ये आता है कि जनगणना की आवश्यकता होती क्यों है। तो ये नहीं है कि हमें ये मालूम होना चाहिए कि हमारे पास में कितने लोग हैं। जनगणना का अर्थ ये होता है कि जब भी हम जनगणना करते हैं ना, तो हमारे पास में एक एस्टिमेट आ जाता है कि हमारे पास में इतने लोग हैं, जैसे हमारे पास में इतने बच्चे हैं, इतनी लेडीज है, इतने जेंट्स है, तो इस टाइप में हम उनके लिए कोई ना कोई योजनाएं बनाते हैं, जनसंख्या को लेकर योजनाएं बनाते हैं। साक्षरता का पता चल जाता है, लिंगानुपात का पता चल जाता है, तो इस तरीके से उनके बारे में योजनाएं क्रियान्वित की जाती है, इसलिए हमें वो डेटा चाहिए, और वो किससे मिल सकता है, जनगणना से मिल सकता है। तो अगर हम वर्तमान की जनगणना को देखें ना, तो वह 2011 की है, 10-10 वर्षों के उपरांत में ये जनगणना होती है। इस बार की जो जनगणना है उसके अनुमानित आंकड़े 2021 के लगाए जा रहे हैं, परंतु अभी तक जनगणना हुई नहीं है। अभी फिलहाल हम जनगणना के अगर इतिहास में जाएं तो कुछ तथ्य ये है जो हमें ध्यान में रहने चाहिए। जैसे अगर विश्व स्तर पर हम बात करें कि सबसे पहली जो जनगणना है वो कहां हुई, तो आप एक आंकड़ा हमेशा याद रखना, 1749 में विश्व स्तर पर पहली जनगणना का प्रयास किया गया या पहली जनगणना हुई, और ये हुई थी स्वीडन में। कहां हुई थी, स्वीडन में, तो ये आंकड़ा हमें याद रखना है। फिर 17 से ही संबंधित एक और आंकड़ा है, 1790 में यूएसए में विश्व स्तर पर जनगणना हुई थी। अब ये जो 1790 है इसको अलग से क्यों पढ़ा जा रहा है, अलग से इसलिए पढ़ा जा रहा है कि ये जो जनगणना थी ये दशकीय जनगणना थी, पहली दशकीय जनगणना। तो पहली दशकीय जनगणना होगी 1790 में यूएसए के अंतर्गत, और 1749 में स्वीडन के अंतर्गत पहली जनगणना। ये चीजें हमें माइंड में रखनी है। भारत में आते हैं, भारत में जनगणना कब हुई, तो जैसा कि मैंने बताया था कि भारत के इतिहास में भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसके अंदर तथ्य मिलते हैं, प्रमाण मिलते हैं कि भारत में भी जनगणना होती थी। तो हम आधुनिक जनगणना की बात करते हैं, न कि इतिहास के अंतर्गत। तो अर्थशास्त्र में भी इसके बारे में उल्लेख किया हुआ है जनगणना के बारे में, परंतु अगर हम आधुनिक जनगणना की बात करें तो हमें एक और डेटा याद रखना है, वो है 1872 पहली आधुनिक जनगणना, अब ये जो जनगणना थी ये किसके समय हुई, तो एक नाम आता है बड़ा ही फेमस, लॉर्ड मेयो के काल में, यह जनगणना हुई। अब इसके बाद में, अब भारत के इतिहास की बात करें ना, तो आधुनिक काल की ये पहली गणना है, परंतु एक और गणना को यहां पर याद रखा जाता है जिसे कहा जाता है 1881 की जनगणना। अब ये 1881 की जनगणना, इसकी खास बात ये थी कि ये दशकीय जनगणना थी, या इसको हम ये कह सकते हैं कि एक व्यवस्थित रूप में जनगणना की गई थी, इसको दशकीय, या आपको कहीं शब्द मिल जाए व्यवस्थित जनगणना, तो 1881 को आपको ध्यान में रखना है। तो इस प्रकार से ये जनगणना थी, किसके काल में थी, तो यह व्यक्ति था लॉर्ड रिपन, के काल में यह गणना की गई थी। अब देखिए यहां पर कुछ आंकड़े हैं जिनके बारे में हमें थोड़ी सी जानकारी रखनी पड़ेगी। जैसे 1881 है, 1872 है, इसके साथ में एक आंकड़ा हमें और याद रखना है, 1951। आप सबको पता है कि हमारा जो भारत स्वतंत्र हुआ था 47 में हुआ था, और 47 के बाद में जो पहली गणना हो जाती है वो 51 की गणना होती है। तो ये जो 51 की गणना है ना, ये भी भारत के अंतर्गत मानी जाती है, तो इसे हम स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात की जनगणना कहते हैं। अब ये आंकड़े मैंने यहां पर क्यों बताए हैं, क्योंकि इन आंकड़ों से ही प्रश्न बनता है
कैसे बनता है कि जैसे वर्तमान की जनगणना की अगर हम बात करें ना, तो वर्तमान की जनगणना है 2011 की, ठीक है ना, यही जनगणना हम पढ़ते हैं। अब वर्तमान की जनगणना के संदर्भ में ये प्रश्न पूछा जाता है कि भारत के इतिहास की जो वर्तमान की जनगणना है वो कौन से नंबर की है। तो आपके सामने ऑप्शंस होते हैं 14, 15, 16, 17 या 13, 14, 15, तो इनमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहां पर आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जो 2011 की जनगणना है, अगर हम पहली भारत के इतिहास की पहली जनगणना की बात करें तो इस इतिहास की यह 15वीं जनगणना होगी, ठीक है ना। आधुनिक जनगणना 1872 के बाद में यह 15वीं जनगणना है 2011 की, यह माइंड में रखना है। अब अगर व्यवस्थित क्रम में पूछे या दशकीय क्रम में पूछे तो दशकीय आधार पर यह जनगणना कौन से नंबर की है, तो यह ऑटोमेटिकली इसके बाद में हुई है ना, तो यह 14वीं जनगणना हो जाएगी, ठीक है। तो इतिहास की 15वीं, व्यवस्थित क्रम में 14वीं जनगणना हो जाएगी, इसको हमें ध्यान में रखना है। इसके बाद में अगर हम स्वतंत्रता की बात करें तो 1951 में जनगणना हुई थी स्वतंत्रता के बाद की। तो प्रश्न ऐसा भी बनता है कि स्वतंत्रता के बाद की यह जनगणना कौन सी है, 2011 वाली, तो यह जो जनगणना है यह 7वीं हो जाती है, 7वीं, ठीक है। तो इन चीजों को हमें ध्यान रखना है, इस सारे कॉन्सेप्ट को हमें क्लियर रखना है, ठीक है। तो तीन चीजें, 15वीं, 14वीं और 7वीं, ये जनगणना कभी भी पूछी जाए तो आपकी कभी भी गलत नहीं होनी चाहिए। आजकल तो प्रश्न ये भी पूछे जा रहे हैं कि 2021 की जो जनगणना है वह कौन सी जनगणना है स्वतंत्र भारत के संदर्भ में, तो यहां पर वो जनगणना हो जाएगी 8वीं, क्योंकि 2011 की जो जनगणना है ना वो 7वीं हो रही है स्वतंत्रता के बाद। तो 21 की जनगणना कौन सी होगी, तो ये हो जाएगा 8वीं, और ऐसे प्रश्न आए हुए हैं, तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं। इस टाइप के जो बेस है ना उसको हमें क्लियर रखना है ताकि हमारा कभी भी कोई भी क्वेश्चन है गलत नहीं हो। तो ये तो साधारण सी बात होगी जनगणना के संदर्भ में, कुछ बातें और हम देखते हैं। देखिए, जैसे कि मैंने बताया कि स्वतंत्रता के बाद जो जनगणना हुई ना वो उसके संदर्भ कुछ अलग थे। 1948 के संदर्भ में अगर हम देखें तो 1948 में जनगणना का जो दायित्व है ये दो लोगों को सौंपा गया, ठीक है। एक तो हो जाता है महापंजीयन कार्यालय, ठीक है, और एक इस कार्यालय में बैठने वाला अधिकारी, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं महापंजीयन अधिकारी। अब देखिए, जो अधिकारी है ना इसको ही आयुक्त कहा जाता है। जब भी जनसंख्या आयुक्त की बात हो तो इसी अधिकारी की बात की जा रही है, इसे ध्यान में रखना है। अब ये दोनों है ना केंद्र स्तर पर काम करते थे, तो अगर हम केंद्र स्तर की बात करें तो जनसंख्या, जनगणना या जनसंख्या का जो विषय है ना ये संघवर्ती सूची का, और ये कौन कहता है, ये कहता है अनुच्छेद 246, ठीक है, सातवीं अनुसूची के तहत 246 जो अनुच्छेद है वो ये कहता है कि ये जो विषय है ये जनगणना ये संघवर्ती सूची का है, यानी कि ये केंद्र ही जनगणना करवाएगी। तो इसीलिए पूरे देश की जनगणना एक ही होती है, फिर राज्यों के स्तर पर हम उसको अलग से पढ़ते हैं, ठीक है, इसको थोड़ा सा हमें ध्यान में रखना है। अब इनके संदर्भ में अगर हम बात करें, जैसे महापंजीयन अधिकारी या जनगणना आयुक्त की बात करें, तो वर्तमान की जो 2011 की जनगणना है, 2011 की जनगणना है, तो उसके संदर्भ में सी चंद्रमौली आयुक्त थे। कौन थे? सी चंद्रमौली उसके आयुक्त थे। और अगर हम बात करें कि सबसे पहले आयुक्त कौन थे, क्योंकि ये तो 2011 की बात होगी, अगर हम सबसे पहले आयुक्त की बात करें तो वो थे WC फ्लाउडेन, ठीक है, इनको हमें ध्यान में रखना है। प्रथम कर देते हैं इधर,
तो इस तरीके से 1948 यानी कि 1951 में स्वतंत्रता के बाद में पहली जनगणना हुई, उसका बेस ये है, उसका कॉन्सेप्ट ये है, तो ये हमें अपने माइंड में रखना है। कुछ चीजें और देखते हैं हम, जैसे अगर हम बात करें कि जनसंख्या को कौन सी पद्धति के आधार पर किया गया, तो तीन ऐसी जनसंख्या हैं जिनकी पद्धति पूछ ली जाती है, तो उसे हमें भी ध्यान में रखना है। सबसे पहले अगर हम बात करें 1911, उसके बाद में हम बात करेंगे 1931, और उसके बाद में हम बात करेंगे 1941। 1911 की जो जनसंख्या पद्धति थी या जनगणना की जो पद्धति थी, उस पद्धति का नाम था सांगोपांग, सांगोपांग पद्धति। प्रश्न आ जाए कि 1911 की जो जनगणना उसमें किस पद्धति का उपयोग किया गया था, तो सांगोपांग पद्धति का उपयोग उसके अंतर्गत किया गया था। अब ये सांगोपांग पद्धति के अंतर्गत था क्या, तो ये एक्चुअल में एक ब्रिटिश अर्थशास्त्री था, ब्रिटिश अर्थशास्त्री था, उसने इसके बारे में कुछ नियम कायदे बताए थे, उस आधार पर इसको किया गया था। उसके बाद में 1931 के अंतर्गत आ जाती है अगली, और अगर हम 1931 के अंतर्गत देखें तो ये पद्धति थी डिफेक्टो, डिफेक्टो पद्धति। अब ये जो डिफेक्टो पद्धति है ना, ये आर्थिक व सामाजिक जनगणना थी, यानी कि पहली आर्थिक और सामाजिक जनगणना कब की गई 1931 में, कौन सी पद्धति के तहत, डिफेक्टो पद्धति के तहत। तो यहां हम लिख देते हैं प्रथम आर्थिक व सामाजिक जनगणना थी 1941 में। जो पद्धति थी उसका नाम था डिफेक्टो कम डी जूरे पद्धति, ठीक है। तो ये पद्धतियां हैं कुछ, इसको हमें माइंड में रखना है, बाई चांस अगर पूछ लिया जाए तो ये पद्धति हमें ध्यान में रहनी चाहिए कि कौन सी इनमें पद्धति या कौन सी प्रकार के विधियों का इसके अंतर्गत यूज किया गया था, तो इन विधियों का नाम हमें अपने माइंड में रखना है, ठीक है। कुछ चीजें और हम देखें तो अगर हम एक सन की बात करें 1921, इसे महान जनसंख्या विभाजक वर्ष कहा जाता है, ठीक है ना, इसके बारे में ध्यान रखना, बहुत ज्यादा आता है प्रश्न, इसलिए मैं मेनली जो पॉइंट है वो आपको बता रहा हूं। इसे क्यों कहा जाता है, इसे इसलिए कहा जाता है कि इस समय जो जनसंख्या थी ना, पहली बार ऋणात्मक चली गई थी 1921 में, जनसंख्या ऋणात्मक चली गई थी। कितनी हो गई थी, -31%, 0.31%, इतनी ये ऋणात्मक चली गई थी, ठीक है। अभी क्यों गई थी, तो ये इसलिए गई थी क्योंकि इस समय एक तो विश्व युद्ध हुआ था, ठीक है ना, इसके अलावा महामारी हो गई थी, इसके अलावा अकाल पड़ गया था, सूखा पड़ गया था, तो इस वजह से जनसंख्या है जो कम हो गई थी, क्योंकि चिकित्सा सुविधा इतनी ज्यादा डेवलप नहीं थी, लोग बीमार होते मर जाते थे, ठीक है ना। तो इस तरीके से 1921 का आंकड़ा हमें ध्यान में रखना है। तो जैसे हमने 1921 का याद रखा ना, उसी तरीके से हमें जनसंख्या के बारे में कुछ चीजें और भी ध्यान में रखनी है। जैसे अगर मैं एक सन लिखूं 1951 से 81, अब ये जो अवधि थी ना, इस समय जनसंख्या का बहुत ज्यादा प्रसार हो गया, और इस अवस्था को जनसंख्या विस्फोट कहा जाता है, जनसंख्या विस्फोट के नाम से इसको जाना जाता है, तो इसको भी हमें अपने माइंड में रखना है, ठीक है। और जनसंख्या वृद्धि का भी एक आता है जो 1971-81 हमें माइंड में रखना है, इन चीजों को हमें अपने माइंड में रखना है। ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो की जा सकती है, परंतु हमारा जो डेरिवेशन है वो क्वीज के अकॉर्डिंग है। तो अभी भारत की जो जनगणना है उसके संदर्भ में हम कुछ पीपीटी के माध्यम से बात करेंगे, तो बहुत सारी चीजें वहां भी आपकी क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो हम शुरुआत करते हैं हमारी पीपीटी के बारे में कि किस तरीके से हम इसको देख सकते हैं। देखिए ये है पीपीटी, ठीक है, पहले आप एक बार इसको देख लीजिए, उसके बाद में इसको हम शुरू करते हैं।
ठीक है, चलिए। तो अब जो आपको जानकारी मिलने वाली है ना, वो बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से मिलने वाली है, इसलिए ध्यान से देखिए और समझिए कि हम यहां पर क्या ध्यान दे रहे हैं। सबसे पहले भारत की जनगणना 2011 की हम बात कर रहे हैं। 2011 की जनगणना का शुभंकर प्रगणक शिक्षिका थी। प्रश्न आए हुए हैं कि उसका शुभंकर कौन है, प्रतीक कौन है, तो प्रगणक शिक्षिका थी। और ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये पोस्टर यूज में लिया गया था प्रगणक शिक्षिका के लिए। इसका जो आदर्श वाक्य था, यह था, हमारी जनगणना हमारा भविष्य, अवर सेंसेस अवर फ्यूचर। और ये जो आदर्श वाक्य है ना, ये भी 50 बार एग्जाम में पूछा गया है कि आदर्श वाक्य क्या था। चार वाक्य दे दिए जाते हैं, उसमें हमें छांटना पड़ता है। तो याद रखना, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। 2011 की जनगणना के समय जनगणना आयुक्त डॉक्टर सी चंद्रमौली थे, जैसा कि मैंने आपको बताया। 2011 की जनगणना में कुल 29 प्रश्न पूछे गए थे। ये परीक्षाओं में नहीं पूछे गए हैं। 29 प्रश्न का अर्थ है कि जनगणना करते वक्त ये जो लेडीज है, ये कितने प्रश्न पूछेगी, 29 प्रश्न ये पूछेगी, ऐसे डिसाइड किया जाता है। तो ये तो बात होगी 2011 की। अगर हम 2021 जो आने वाली है के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देखें, तो उसके अंतर्गत 2021 की 16वीं, जैसा कि मैंने कहा 15वीं, और ये हो जाएगी 16वीं, 16वीं जनगणना के जनगणना आयुक्त श्री विवेक जोशी है। याद रख देना, श्री विवेक जोशी, चंद्रमौली 2011, विवेक जोशी 2021 के लिए। आदर्श वाक्य क्या रहेगा इसका, तो था हमारी जनगणना हमारा भविष्य, इसका है जन भागीदारी से जन कल्याण, जन भागीदारी से जन कल्याण। 2021 की जनगणना में कुल 31 प्रश्न पूछे जाएंगे, यहां 29 यहां 31। 2021 की जनगणना, भारत में पहली बार डिजिटल जनगणना होगी। पहली डिजिटल जनगणना कौन सी होगी, 2021 की। ये कुछ तथ्य हैं हमें माइंड में रखने, बहुत सारी चीजें अभी। और अब भारत की जनगणना की हम बात करते हैं कुछ खास खास चीजों की। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनगणना 121,08,54,977 है। ठीक है, आंकड़ा एक बार दोबारा पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएगा, जो विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% है। पूरे विश्व में जितनी जनसंख्या, उसका 17.5% भाग हमारे भारत के अंतर्गत आता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारा 7वां स्थान आता है, ठीक है ना, ये चीज भी ध्यान रखना। जिसमें पुरुष कितने हैं जनसंख्या में, पुरुष है 51.47% और महिलाएं हैं 48.53%। ठीक है ना, ये आंकड़े भी ध्यान में रखना। एक एक आंकड़ा बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, एक एक आंकड़ा जो महत्वपूर्ण है उसी को ही मैं प्रदर्शित कर रहा हूं, ठीक है ना। 2001 से 2011 के बीच भारत की जनसंख्या की दशकीय वृद्धि 17.7% रही है। यानी जो 2001 में जनसंख्या थी, 2011 में हुई, उसकी वृद्धि दर कितनी है, 17.7%, इसको भी ध्यान में रखना। 1911 से 21 के दौरान भारत में जनसंख्या की दशकीय वृद्धि ऋणात्मक 0.31 हुई, -0.31, जो मैंने अभी आपको बताया। और यह भारत के जनगणना के इतिहास में पहली बार हुआ, जिस कारण 1921 ईस्वी को महान विभाजक वर्ष की संज्ञा दी गई। 1921 बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप माइंड में रखना। महान विभाजक वर्ष क्यों कहा जाता है, ये भी कई बार इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है या रिटर्न में पूछ लिया जाता है, तो हमें ये कॉन्सेप्ट ध्यान होना चाहिए। 2011 की जनगणना के अनुसार देश की कुल जनसंख्या में शहरी जनसंख्या 31.2% है। ये भी प्रश्न पूछा जाता है, सारे फैक्ट बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, जबकि ग्रामीण जनसंख्या 68.8% है। ठीक है ना, इन दो चीजों को हमें ध्यान में रखना है। फिर हम बात करते हैं जनसंख्या की। अब जनसंख्या के संदर्भ में राज्य पूछे जाते हैं कि सर्वाधिक जनसंख्या किसकी है, न्यूनतम किसकी है, सर्वाधिक केंद्र शासित प्रदेशों में जनसंख्या किसकी है, न्यूनतम केंद्र शासित प्रदेशों में जनसंख्या किसकी है, वो दोनों ही आंकड़े मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। तो जनसंख्या की बात करें, तो राज्य की बात करें, तो सर्वाधिक जनसंख्या किसकी है, उत्तर प्रदेश की। सर्वाधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश की, उसके बाद में आता है महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र। न्यूनतम जनसंख्या की बात करें, तो सबसे कम जनसंख्या है सिक्किम में, और उसके बाद में रहती है मिजोरम में, सिक्किम और मिजोरम के अंदर। केंद्र शासित प्रदेश को अलग से पूछा जाता है। इसके अंतर्गत सर्वाधिक जनसंख्या है दिल्ली की, सर्वाधिक जनसंख्या है दिल्ली की। न्यूनतम जनसंख्या है लक्षद्वीप की। ठीक है, ये जनसंख्या के बारे में बात होगी। अब हम बात करते हैं दशकीय वृद्धि की।
और जैसा कि हमें पता है कि दशकीय वृद्धि 17.7% हुई थी 2001 की तुलना में 2011 के अंतर्गत। अब राज्य में देखें तो सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाला राज्य कौन सा है, मेघालय, जिसमें 27.9% वृद्धि हुई दशकीय। उसके बाद में अरुणाचल प्रदेश 26% वृद्धि हुई, यानी कि 100 संख्या है तो 10 सालों में 126 हो गई, इस तरीके से वृद्धि हुई। न्यूनतम दशकीय वृद्धि नागालैंड में हुई जो कि माइनस में चली गई। अब जब नकारात्मक या ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि के बारे में पूछ लिया जाए तो ऐसे प्रश्न यहां से निकल सकते हैं, तो नागालैंड याद रखना -0.6% की वृद्धि यहां पर हुई। केंद्र शासित प्रदेशों के अंतर्गत सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दादरा एवं नगर हवेली में हुई जो कि 55.9% है। कितनी ज्यादा हुई आप खुद देख लीजिए, ठीक है ना। न्यूनतम दशकीय वृद्धि की अगर हम बात करें तो यहां पर हुई लक्षद्वीप में 6.3%, जो बहुत कम देखी गई है लक्षद्वीप के अंतर्गत। तो जनसंख्या होगी और दशकीय वृद्धि होगी। इसके बाद में आता है जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व क्या होता है, तो सिंपल सी चीज है, 1 किलोमीटर बाई 1 किलोमीटर के अंतर्गत, यानी कि ये 1 किलोमीटर एरिया है और ये 1 किलोमीटर एरिया है, इसमें जितने लोग रहते हैं ना उन लोगों की संख्या, माना कि ये 10 है तो ये लिखा जाएगा 10 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी कि ये वर्ग किलोमीटर हो गया और इसमें 10 व्यक्ति रहते हैं। तो इस तरीके से जनसंख्या घनत्व निकाला जाता है। तो सबसे पहले तो हम यहां पर देखते हैं जनसंख्या घनत्व कहते किसे। तो जनसंख्या घनत्व का तात्पर्य प्रति वर्ग किलोमीटर में निवासित औसत जनसंख्या से है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। याद रखना भारत का कितना है, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। फिर राज्यों के संदर्भ में बात करें तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है बिहार। सर्वाधिक जनसंख्या यहां पर है, ठीक है ना, यानी कि जनसंख्या घनत्व है, जनसंख्या तो यूपी में है, जनसंख्या घनत्व यानी कि स्थान छोटा है, 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं ये। उसके बाद में पश्चिमी बंगाल आता है, 1028 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश है 17, राजस्थान के संदर्भ में जैसलमेर आ जाता है 17 में, यहां अरुणाचल प्रदेश आ जाता है 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, बहुत सारी जगह यहां पर है। मिजोरम में 52 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। केंद्र शासित प्रदेशों की हम बात करें तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व दिल्ली में है, कितना है, 11,320 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, कितने ज्यादा लोग है देखिए आप। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व की बात करें तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 46 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो ये जनसंख्या घनत्व की बात हो जाती है। अब हम बात करते हैं लिंगानुपात की। लिंगानुपात क्या होता है, लिंगानुपात होता है पुरुष और महिलाओं का अनुपात, यानी कि हमारे यहां पर 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं उसके संदर्भ में देखा जाता है कि इसका लिंगानुपात कितना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहां पर लिंगानुपात है कितना भारत का, तो भारत का जो लिंगानुपात है वह है 943 महिलाएं हैं 1000 पुरुषों पर। प्रति 1000 पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की संख्या को लिंगानुपात कहते हैं। और निकालने का सूत्र क्या है, तो स्त्रियों की संख्या बट्टे पुरुषों की संख्या इंटू 1000 कर दिया जाता है, तो 1000 पे अनुपात निकल जाता है, ठीक है ना, 1000 पे अनुपात निकल जाता है। यहां 100 किया जाता है तो प्रतिशत निकल जाता, और यहां पर 1000 किया हुआ है तो ये 1000 पे अनुपात निकल जाता है। कभी कोई प्रश्न पूछ लिया जाए तो आप इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। राज्य सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य केरल, और बार बार ये रिपीट भी होगा, इसको भी हमें ध्यान में रखना है। केरल 1084 महिला प्रति 1000 पुरुषों पर है, तो ये 1000 से ऊपर चली जाती है, तो लिंगानुपात में पहला नंबर आता है केरल का। फिर आता है तमिलनाडु का, 996 महिलाएं प्रति 1000 पुरुषों पर। न्यूनतम लिंगानुपात हरियाणा में है, 879 महिलाएं हैं 1000 पुरुषों पर। केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो सर्वाधिक लिंगानुपात पुडुचेरी के अंतर्गत आता है, 1037 महिलाएं प्रति 1000 पुरुषों पर। न्यूनतम लिंगानुपात अगर हम केंद्र शासित में बात करें तो दमन व दीव जो स्थान है वहां पर आता है, और यह है 618 महिलाएं प्रति 1000 पुरुषों पर। लिंगानुपात की बात होगी, इसके बाद में हम बात कर रहे हैं शिशु लिंगानुपात। कई बार यह होता है कि शिशु लिंगानुपात को अलग से जानने की जरूरत क्या है, या हम शिशु साक्षरता दर देखें, या हम लिंगानुपात देखें, या हम जनसंख्या देखें, तो हम इसके बारे में काफी बातें करते हैं। तो हम क्यों बात करते हैं, बात इसलिए करते हैं क्योंकि जो लेटेस्ट वर्जन आ रहा है लोगों का,
या लेटेस्ट जो जनसंख्या आ रही है वो किस हिसाब से बढ़ रही है, उसके अकॉर्डिंग भविष्य के अंदर हम ये सारे जो डिसीजन है वो ले सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि एक समय में बहुत सारी स्कूलें खोली गई थी, परंतु एक समय बाद में उन्हीं स्कूलों को आपस में मर्ज कर लिया गया, क्योंकि स्कूलें कब खोली गई, जब एक बहुत बड़ा जनसंख्या का जो हिस्सा है वो आ रहा था स्कूलिंग में। अब वो जैसे ही कॉलेज में चला गया तो स्कूलों को मर्ज करना पड़ा, क्योंकि पीछे वाली जनसंख्या वो कम पड़ गई। ठीक है, उसके बाद में एक वर्तमान का जो समय है ना, अभी कॉलेजों की क्वांटिटी बढ़ाई जा रही है, क्योंकि वो जो स्कूलों वाला बैच था ना वो कहां आ रहा है, कॉलेजों के अंतर्गत आ रहा है। अभी जो कॉलेजों में आ रहा है तो ये कॉलेजों की संख्या बढ़ाई जा रही है, और जैसे ही ये वाला हिस्सा जैसे ही नौकरी में जाएगा तब उस समय बेरोजगारी आ जाएगी, शिक्षित बेरोजगारी। तो ये कुछ चीजें हैं जो पहले पढ़नी पड़ती है, उसके बाद में ये सारे जो योजनाएं बनती है। तो शिशु लिंगानुपात की बात करें, 0 से 6 के अंतर्गत शिशु आते हैं, उनका लिंगानुपात है 919। जन्म से लेकर 6 वर्ष की आयु तक प्रति 1000 बालकों की संख्या की तुलना में इसी आयु वर्ग में बालिकाओं की संख्या के अनुपात को शिशु लिंगानुपात कहते हैं। ठीक है ना, 0 से 6 ध्यान रखना है, बाकी तो लिंगानुपात का वही सूत्र है। बालिकाओं की संख्या 0 से 6 वर्ष, बालकों की संख्या 0 से 6 × 1000 कर देना है। राज्य में सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात अरुणाचल प्रदेश में है, 972 बालिकाएं हैं 1000 बालकों पर। मिजोरम में 970 बालिकाएं हैं 1000 बालकों पर। न्यूनतम शिशु लिंगानुपात हरियाणा के अंतर्गत है, 834 बालिकाएं हैं 1000 बालकों पर, और पंजाब में 846 बालिकाएं हैं 1000 बालकों पर। केंद्र शासित प्रदेशों के संदर्भ में अगर हम देखें तो हमारे सामने आता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जो कि 968 बालिकाएं हैं 1000 बालकों के ऊपर। इसके बाद में अगर हम देखें न्यूनतम शिशु लिंगानुपात दिल्ली के अंतर्गत आता है, यह है 871 बालिकाएं 1000 बालकों पर। अगला रहता है साक्षरता। देखो, साक्षर किसे कहते हैं, यह भी आपके सामने एक प्रश्न आएगा, तो उसको भी ध्यान में रखना। 7 वर्ष और उससे अधिक का जो व्यक्ति किसी भाषा को समझ सकता हो, उसे लिख या पढ़ सकता हो, साक्षर कहलाता है। ठीक है ना, साक्षर की परिभाषा कई बार पूछी भी जाती है, तो उसको ध्यान में रखना, 7 वर्ष ध्यान रखना। अभी कितनी है साक्षरता भारत की, 74.04 इसकी साक्षरता वर्तमान में है। फिर हम बात करते हैं कि इसकी सूत्र की, तो साक्षरों की संख्या बट्टे 7+ आयु वाली जनसंख्या × 100 करने पर यह साक्षरता निकल जाती है। राज्य की बात करें, सर्वाधिक साक्षरता केरल है 94% के साथ में, 100 में से 94 लोग पढ़े लिखे हैं। मिजोरम में 91.3% साक्षरता है। न्यूनतम साक्षरता बिहार में है 61.8%, अरुणाचल प्रदेश में 65.4%। केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक साक्षरता लक्षद्वीप में आती है 91.8%, और न्यूनतम साक्षरता दादरा नगर हवेली में आती है 76.2%। भारत की जनगणना, 2-3 स्लाइड और है तो सारे महत्वपूर्ण तथ्य है वो समाप्त हो जाएंगे थोड़ी देर में। ठीक है, ग्रामीण जनसंख्या और शहरी जनसंख्या की बात करें तो राज्य कौन सा है, सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है 90%, यानी कि 100 में से 90 लोग हैं जो गांव में रहते हैं हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत, याद रखना। सर्वाधिक शहरी जनसंख्या गोवा में पाई जाती है 62.2%, 100 में से 62.2% जो लोग हैं वो कहां रहते हैं, शहरों में रहते हैं। न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या गोवा में है, क्योंकि यहाँ शहरी ज्यादा है तो गोवा में ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। न्यूनतम शहरी हिमाचल प्रदेश में है, क्योंकि वहां पर 90% गांव में है तो 10% शहरों में ऑटोमेटिकली ये न्यूनतम हो जाएगा। केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो सर्वाधिक शहरी जनसंख्या दिल्ली में है 97.5%, दिल्ली में 97.5% जनसंख्या आपके शहरी है। न्यूनतम शहरी जनसंख्या की बात करें तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है 37.7% के साथ में। 2011 की जनगणना के अनुसार देश में अनुसूचित जाति जिसे SC कहा जाता है कि कुल कितने लोग हैं, तो इसकी कुल संख्या है 20.14 करोड़, याद रखना SC 20.14 करोड़। सबसे ज्यादा SC जनसंख्या वाला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश उत्तर प्रदेश है, यहां सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति के लोग रहते हैं, क्योंकि जनसंख्या के मामले में भी ये है, जनसंख्या के संदर्भ में भी इसका नाम लिया जाता है, तो SC भी यहां पर अधिक मात्रा में। और सबसे ज्यादा SC जनसंख्या प्रतिशतता वाला राज्य कौन सा है, पंजाब है, जहां पर 31.9% SC रहते हैं। अब हम ST की बात करते हैं, अनुसूचित जनजाति की, तो इसकी कुल संख्या 10.43 करोड़ देखने को मिलती है भारत में।
सबसे ज्यादा एसटी जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश। तो यहां पर सबसे ज्यादा एसटी रहते हैं मध्य प्रदेश में। और सबसे ज्यादा एसटी जनसंख्या प्रतिशतता वाला अगर हम बात करें तो लक्षद्वीप है, 94.8% एसटी लोग रहते हैं यहां पर लक्षद्वीप समूह में। एक और स्लाइड, इसके बाद में समाप्त होता है। कुछ फैक्ट है ध्यान में रखना है, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कोई भी अनुसूचित जाति यानी कि एससी निवास नहीं करती। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, पुडुचेरी कोई भी अनुसूचित जनजाति एसटी निवास नहीं करती है, ठीक है ना। ये फैक्ट है, इनको माइंड में रखना है, एग्जाम में आए हुए फैक्ट है, इसलिए मैंने आपको यहां पर ये बताया।